हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं वर्ग का परिभाषा। वर्ग का परिभाषा जो है आयत से मिलता जुलता परिभाषा है। ठीक है, कैसे है? यहाँ पर चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90° का हो तथा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपस में चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसके जो प्रत्येक कोण, ये चार भुजाओं से, एक भुजा यह हो गया, एक भुजा यह हो गया और एक भुजा यह हो गया। ठीक है, ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है जिसका प्रत्येक कोण जो है ये 90° का है। ठीक है, चारों कोण जो है वो कितने अंश के हैं? 90 90 अंश के हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये चारों भुजा ही बराबर है, एक समान भुजा। अगर यह पांच, मान लीजिए यह जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर अगर ये भुजा है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 होगा, ये भी होगा। ये भुजा जो है सेंटीमीटर में है। ठीक, इसका जो माप है सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा, या फिर इसको बोलते हैं भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है। दोनों में से कोई फॉर्मूला अगर बोले हो, अगर भुजा गुणे भुजा बोले हो तब पर भी जो है सही है, क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर भुजा स्क्वायर बोले हो तब पर भी सही है। ठीक है, तो देखिए इसका जो भुजा है कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 गुणे 6 है, अगर इसमें रखेंगे तो 6 गुणे 6, यहाँ पर भी मतलब स्क्वायर है, दो बार गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया? 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 36, 6 6 के 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये जो आपका 6 भुजा है वो सेंटीमीटर में। मैंने बताया था आयत तो वाले वीडियो में कि जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मतलब स्क्वायर में आता है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आता है, यानी कि उसका स्क्वायर में ही आता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर आता है। अगर आप 36 बोल रहे हो तो 36 डायरेक्ट बोलोगे तो गलत है। जब तक आप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं तब तक इसका क्षेत्रफल सही नहीं है। तो यह तो ये जो है क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? इसका भी एक फॉर्मूला होता है। परिमाप यानी कि चारों जो है भुजाएं हैं बाहर से, उसी का जो है बाहर से देखते हैं, चार भुजाएं जो है उसी को जोड़ देता है, उसका परिमाप निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आप आयत का जो परिमाप होता है वर्ग का। ठीक है, सॉरी, वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 4 है तो 4 को ऐसे लिख देंगे, भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24, 24 आ जाएगा। ये क्या है? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ गया। क्या इसका परिमाप? 24 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। अब अगर आप इसको जोड़ ले तो चारों भुजाओं को जोड़ो, देखो यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी, तो 6 6 यह हो गया 12 और 6 6 12, तो 12 प्लस 12 हो गया 24। ठीक है, जैसे कि इसको सीधा सीधा 6 6 12 कर दो और इधर 6 6 12, 12 प्लस 12 बराबर हो गया 24, और ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका जो है परिमाप, परि मतलब चार बाहरी से चार भुजाओं का यह जो है जोड़ता है वह इसका परिमाप होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से आपको क्या है वर्ग का जो है परिमाप और क्षेत्रफल निकालना होता है, जो कि आप लोग बहुत ही आसान से सीख चुके होंगे। ठीक है, देख सकते हैं इसी तरह से आपको जो है निकालना होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।